नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा के चरहुला कॉलोनी में रहने वाले युवक की चौरहटा थाना क्षेत्र में लाश मिली है। पुलिस और परिजन ने हत्या की आशंका जाहिर की है। शरीर में चोट के काफी निशान पाए गए हैं। वहीं परिजनों के द्वारा बताया गया है कि मृतक सलीम मेडिकल की दुकान में नौकरी करते थे, जो रोज की तरह दिनांक 13 तारीख को घर से सुबह 9 बजे निकल गए थे और उस दिन घर नहीं आए। जब परिजनों के द्वारा संपर्क करने का प्रयास किया गया तो मृतक का फोन नहीं लगा, जिसके बाद अगले दिन 14 अप्रैल को परिजनों के द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। आज 16 अप्रैल को युवक की लाश चौरहटा थाना क्षेत्र में पाई गई है, जहां मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर संजय गांधी हॉस्पिटल में पीएम हेतु रखा है और परिजनों को सूचना दी है, जहां परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने भी हत्या के ही आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है। घटना हुई किस मोहल्ले के, क्या नाम है? 13 तारीख मेरे देवर घर से निकले ड्यूटी। क्या नाम था उनका? प्रभाकर आवाज़। करीबन 9 बजे ड्यूटी निकले, मेडिकल कॉलेज मेडिकल में सलीम चचा के यहाँ वो ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्हीं के यहाँ मेडिकल के लिए निकले कि हम जा रहे हैं ड्यूटी, और उतनी समय से वो नपता हो गए। फिर जब हम लोग फोन लगाए तो उनकी फोन स्विच ऑफ और उनकी मोबाइल नहीं मिली और स्विच ऑफ हो गई उनकी। अब वो कहीं पता नहीं, ना रिश्तेदार हर जगह पे हम छाने उनको देखे कि मैं तो कहीं होंगे पता लगा है, कहीं नहीं मिले। दो दिन उनको हम ढूंढे, हम लोग तीन चार लोग मिलके ढूंढे उनको हर जगह पे, पर वो कहीं नहीं मिले। फिर कल हम जाके सिटी कोतवाली में वो करें रिपोर्ट लिखवाएं, तो आज उनकी डेड बॉडी वहाँ मिली है चौरहटा जो पुल के पास, क्या है वो कौन है खड्डी पुल में ही खड्डा खड्डा पुल है वहाँ। क्या कारण मान रही है? कारण क्या मान रहे हैं? अब घर में तो कोई विवाद हुआ नहीं, अब घर में थोड़ी सी हमारे घर में विवाद हुई, इसलिए ये हुआ हमारी चाची की और इनकी देवी देवतन के, जैसे हम लोग आदिवासी हैं हमारे घर में इसकी बहुत महत्व होती है देवी देवतन की आज के डेट में, तो ये लोग देवी देवता लेने आए थे, इन दोनों का विवाद हुआ सिर्फ हमारे ये इनकी और हमारे चाची की माझिल वाली की, उन दोनों का विवाद हुआ। सुबह की ये घटना है, अब ये नहीं जानते कि किसका हाथ है इसमें, कौन हमारे देवर को ले गए, कौन मारे, कौन काटे, कौन क्या किए। कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाले हैं? चिरौला मंडी के पीछे बदराव बड़ौरा टोला, बदराव के रहने वाले हैं वो, बड़ौरा टोला वार्ड नंबर 43। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना, हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म कांटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश।